वेरी गुड इवनिंग एवरीवन यार एक बार वॉइस वगैरह का जल्दी से कंफर्म करो सभी लोग कुछ तो इशू आ रहा है आज आई थिंक अभी सब कुछ फ़ाइन होना चाहिए ठीक है जल्दी कंफर्म करो एक मैं चेक कर लेता हूँ आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना तो आज तो इशू आना ही आना है ठीक है फाइन ओके okay. चलो यार फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो सभी लोग बताइए कि कल वाला जो अपना डिस्कशन हुआ था जिसमें हम लोगों ने बात करी थी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की। तो जल्दी से बता दो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से आप क्या क्या पता कर सकते हो क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर बता सकते हो बता सकते हैं मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक बता सकते हैं क्या इससे आप मैक्सिमम का मिनिमम का भी अंदाजा लगा सकते हो बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हो तो देखो फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होता है वो आपको क्या क्या निकाल के देता है अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप जीरो फुट कर दो तो वो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के दे देता है स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल के दे देता है एट द सेम टाइम अगर आप उसको वीवी के रूप प्लॉट करो और अंदाजा लगाने की कोशिश करो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो ओरिजिनल फंक्शन है उस ओरिजिनल फंक्शन में कहाँ कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ कहाँ पे मिनिमा लाइक like कर रहे हैं और वो ओरिजिनल फंक्शन कहाँ कहाँ पे इंक्रीज कहाँ कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है ठीक है जल्दी से यार सेशन को सभी लोग शेयर कर दो और शेयर करने के साथ साथ सेशन को लाइक like भी कर दो लाइक like अभी बहुत कम दिख रहे हैं लोग ज्यादा प्रेजेंट है फाइन ओके चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं यार जब सिग्नल की क्लास में लिखा हुआ है कि लाइव इन फोर्टी आवर्स तो यार इतने इंटेलिजेंट तो तुम लोग हो ना कि अभी ये फोर्टी सेवन आवर्स बाद ही लाइव होगा तो उसमें बार बार पूछने की क्या ज़रूरत है अगर सिग्नल का तुमने क्लास ओपन करा वहाँ पे लिखा हुआ है कि इट विल बी लाइव इन फोर्टी सेवन आवर्स तो फोर्टी सेवन आवर्स के बाद वो लाइव हो जाएगा ओके okay? चलो उसके अलावा यार जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपका एनोलॉग ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है सेवनटीन से और कंट्रोल सिस्टम भी स्टार्ट होने वाला है साथ के साथ आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रिवीजन भी स्टार्ट होने वाला है और जो नाइक्विस्ट का एक मैराथन सेशन होने वाला था वो अब ट्वेंटी वन के बजाय ट्वेंटी एट को शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि ट्वेंटी वन को हम लोग कराएंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रिवीज़न क्योंकि उसके एग्जाम की डेट आ गई तो इस वजह से मैराथन सेशन एक हफ्ते आपका पोस्टपोन हुआ है वो हम लोग ट्वेंटी एट्थ को करेंगे फाइन बाकी अकेडमी प्लस पे तो आपको पता है डाउट सॉल्विंग बैच हम लोगों ने लॉन्च कर ही दिया आप जल्दी से आओ यहाँ पे और हमसे डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट करो तो यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नंबर ऑफ कंसेप्ट और एक पर्सनलाइज वे में स्टडी करने का मौका मिलता है कोर्ट सभी लोग यही लगा रहे हैं आप भी ये लगा के प्लस पे आ सकते हो और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो फाइन उसके अलावा आप जैसा पूछते हो कि रिकॉर्डेड वीडियोस यूट्यूब और प्लस में डिफरेंस क्या तो मैंने बोला ये तो पुराने जमाने की बात हो गई या तो यूट्यूब से सब कुछ कवर कर लो या तो अगर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो प्लस पे करिए ताकि आपकी एक इनोवेटिव वे में एक मॉडर्न वे में आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो सके ठीक है आपके ये बैचेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं तो ज्वाइन करो और प्लस पे आके अपनी जर्नी स्टार्ट करो ठीक है चलें आज का सेशन स्टार्ट करें चलो फ़ाइन चलो ये पहला क्वेश्चन इसका आंसर बताइए तो ये कल आपको होमवर्क दिया गया था होपफुली आप लोगों ने ट्राई करा होगा तो जल्दी जल्दी आंसर बताना चालू कर दो सेशन को शेयर भी कर दो लोग काफ़ी कम दिख रहे हैं तो लोग दिखने चाहिए ज़्यादा सो दैट सेशन्स होते रहे कंटिन्यू चलो क्या आंसर आया इसका चलिए चेक करते हैं अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछ रहा था कि सिग्ना मेक्स एक्स इक्वल टू जीरो पर है क्या तो आई होप सभी लोगों ने इसका ग्राफ बना के इसको जज कर लिया होगा ना? जिसका ग्राफ पता है उसके तो ग्राफ से ही सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ऐसा कुछ ग्राफ आपको सिग्नम का मिलना चाहिए ये लीजिए अच्छा आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि आज किसका डिस्कशन होने वाला है सैडल पॉइंट है ना सैडल पॉइंट पर बहुत ज्यादा डिबेट होती है अलग अलग बातें होती हैं तो सैडल पॉइंट के अराउंड जो डिबेट है उस डिबेट को भी आज खत्म करते हैं और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का भी अंदाजा लगाते हैं फाइन तो देखो यहाँ पे एक्जैक्टली एक सिक्वल टू जीरो पर यह फंक्शन कैसा है जीरो से पहले अगर आप चेक करो तो एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ़ जीरो प्लस तो जीरो प्लस इज ग्रेटर देन एफ ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन ज़ीरो माइनस तो यहाँ पे आपका क्या कर कर रहा होगा एट दिस पॉइंट फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग है ना इंक्रीजिंग का मतलब आपका जो फंक्शनल वैल्यू है एफ ऑफ जीरो प्लस का वो जीरो से ज्यादा और जीरो की वैल्यू जीरो माइनस से ज्यादा तो यहाँ पे फंक्शन आपको क्या मिलेगा दिस एफेक्स इज इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू जीरो तो इंक्रीजिंग के लिए पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या uh, कोई पॉइंट ऑफ डिस्कटिन्यूटी भी हो सकता है जिस पर फंशन इंक्रीज करें बिल्कुल हो सकता है क्या कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी हो सकता है जिसपे फंक्शन इंक्रीज करें बिल्कुल हो सकता है क्या कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है जहाँ पे मैक्सिम और मिनिमा कर करेगा बिल्कुल हो सकता है तो ये हम लोगों ने बोला कि इस फंक्शन को भले ही हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि इसकी इंक्रीजिंग और

तो अगर आपको ये देखो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन दे रखा है और एक सिक्डल डू जीरो के अराउंड पूछ रहा है तो एक सिक्ल डू जीरो के अराउंड अगर पूछ रहा है तो सिंपल सी चीज है कि आप यहाँ पे क्या कौ एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू कैलकुलेट कर लो जब आप एफ ऑफ जीरो पर एजेक्टली वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इस वाली डेफिनेशन के हिसाब से आपको वन मिलेगा अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ जीरो माइनस के लिए वैल्यू कैलकुलेट करता यहाँ पे देखो जीरो माइनस अगर आप पुट करोगे तो ये वैल्यू आपको जीरो मिल जाएगी अप्रॉक्सीमेटली और अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू कैलकुलेट करता तो देखो ये मुझे क्या मिलता है साइन जीरो प्लस प्लस वन अब साइंस जीरो प्लस की वैल्यू कितनी होने वाली ग्राफ से आप सभी लोग चेक कर लो ये देखो ये है साइंस जीरो मान लेते हैं जीरो प्लस यहाँ पे कहीं तो जीरो प्लस की वैल्यू आप कुछ भी मान लो जीरो पॉइंट वन मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मान लो जीरो प्लस की वैल्यू तो वन से ज़्यादा ही होगी ना सो दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन वन यहाँ से चेक कर लो आप एफ ऑफ जीरो प्लस इज ग्रेटर देन एफ ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन एफ ऑफ जीरो माइनस तो ये वाला फंक्शन भी एक्जैक्टली एक्सिक्वल टू जीरो पर कैसा हो जाएगा दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग एट एक्सिक्वल टू जीरो ठीक है तो जहां पे भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात होती है ना किसी सर्टेन पॉइंट पे तो वो पॉइंट रख के हमेशा चेक कर लिया करो समझ आए ना अगर ओवरऑल आपसे पूछता कि किस रेंज में इंक्रीजिंग है किस रेंज में डिक्रीजिंग है फिर तो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट हाँ करना पड़ता बट जब भी किसी सिंगल पॉइंट पे आपसे पूछे कि उस सिंगल पॉइंट पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती आप वो पॉइंट उठाओ डालो और आंसर कैलकुलेट कर लो तो ये दोनों क्वेश्चन जो अभी अभी आपने किए ना यहाँ पे किसी फंक्शन के किसी सिंगल पॉइंट पे आपसे जानना चाहता था कि इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर क्या होगा तो जब सिंगल पॉइंट पे जानना चाहे तो आप वो वैल्यूज डाल के चेक कर लो जब रेंज में जानना चाहे तो ऐसे क्वेश्चन कल हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखे थे तो दो तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको जहां पे पूछेगा आपको बताना है कि ये फंक्शन किस रेंज में इंक्रीज कर रहा है किस किस रेंज में डिक्रीज कर रहा है पहला दूसरा आपसे पूछेगा किसी सर्टेन पॉइंट पे उसका बिहेवियर पॉइंट पे पूछे वैल्यू डाल के चेक कर लो फाइन चलो अगला क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर कितना है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पीडीएफ में मैंने शेयर कर दिया था और इसमें आपका पूछा एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग ठीक है तो इसके बाद फिर हम लोग डबल डेरिवेटिव टेस्ट पे आते हैं जल्दी से उसको भी समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डबल डेरिवेटिव टेस्ट कितना आंसर आया इसका क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ये एक फंक्शन दे रखा है ए इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी ये चीज उसने पहले से मैंशन कर दी ए इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी बोल रखा फाइंड द इंटरवल इन विच एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग तो आप मुझे बताइए अगर इसने ये बोल दिया कि एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हो गया f डबल डैश एक्स टू बी पॉजिटिव है ना तो अगर इसने यही बोल दिया कि f डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब f double dash X को पॉजिटिव करेंगे चलिए दो बार इसको डिफरेंशियट करते हैं तो एक बार अगर हम लोग इसको डिफरेंशियट करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा e टू दावर ए एक्स प्लस ए एक्स ई टू दावर एक्स ये आपको मिलेगा एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो सेकेंड डेफिनेशन दे रखा है एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस तो ये आपको मिल जाएगा वन प्लस टू ए एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन में लग तो नहीं रहा है कि कुछ डिफिकल्ट है हो तो जाना चाहिए था चलो चेक कर लेते हैं दोबारा करते हैं ये मिलेगा ए ई टू दावर ए एक्स यहाँ से आपको मिल जाएगा ए ई टू दावर एक्स प्लस एक्स ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो यहाँ पे दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे मिलेगा टू ए माइनस सिक्स एक्स फोर एक्स ग्रेटर देन जीरो बस अब दोनों को पॉजिटिव करना है इसको पॉजिटिव और इसको पॉजिटिव करना है अंडर द रेंज आइए करते हैं पॉजिटिव सबसे पहले ऊपर वाले को ले लेते हैं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है टू ए टू द पावर ए एक्स प्लस एक्स ए स्क्वायर ई टू द पावर एक्स यहाँ से ए टू द पावर ए एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बच रहा है टू प्लस ए एक्स ये बोल रहा है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए अब अगर ये क्वांटिटी आपको ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो उसमें ये तो पहले से ग्रेटर देन जीरो क्योंकि ए इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी उसने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा ए अगर पॉजिटिव है कल भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरीके का जो एक्सपोनेंशियल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है कोई भी एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बना लो ऐसा या ऐसा ये हमेशा आपके ग्रेटर देन जीरो ही होते हैं ठीक है तो ये हमेशा इस एक्सेस के ऊपर ही एग्जिस्ट करते हैं तो ये सारे के सारे फंक्शन हो गए पॉजिटिव अब यहाँ से देख लो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलनी चाहिए ग्रेटर than माइनस ए बाई टू कब कब ये वैल्यू आपको मिलनी चाहिए ग्रेटर माइनस टू बाई ए सॉरी शुड बी ग्रेटर देन माइनस टू बाई कब ये आपको मिलना चाहिए फॉर एक्स लेस देन ना पहला वाला आपने पिक किया ना तो अगर इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को आप ग्रेटर देन जीरो करना चाह रहे हो तो साथ के साथ एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन भी तो आपको लगानी पड़ेगी तो बेसिकली इन दोनों कंडीशंस का आपको क्या चाहिए यूनियन सॉरी uh, इंटरसेक्शन तो आप यहां से कैलकुलेट कर लो एक बोल रहा है एक्स ग्रेटर दैन जीरो दूसरा बोल रहा है एक्स ग्रेटर माइनस टू बाई ए चाहिए माइनस टू बाई नेगेटिव क्वांटिटी होगी क्योंकि ए पॉजिटिव है समझ गए ना तो ये आपको मिल जाएगा माइनस टू बाई ए से जीरो चेक कर लो पहले और मुझे बता दो आर यू कंफर्टेबल तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सभी लोगों ने कर लिया ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपको पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी ग्रेटर देन माइनस टू बाई जब ये ग्रेटर देन माइनस टू बाई आ गई तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि ग्रेटर देन माइनस टू बाई ए किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए है तो आप यहाँ से चेक करो दिस इज फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो और जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी फ्रॉम माइनस टू बाई ए अप टू जीरो तो ये तो पहला पोर्शन हो गया जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया अगला पोर्शन देखते हैं क्या मेंशन कर रखा है अगला दे रखा टू ए माइनस सिक्स एक्स तो इसको भी ग्रेटर देन जीरो करते हैं फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो से आपको एक्स की वैल्यू मिल जानी चाहिए यहां से आपको एक्स मिल जाना चाहिए लेस देन ए बाई थ्री फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो मिल जाएगा जीरो टू ए बाई थ्री ठीक है तो ओवरऑल एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज आ आगे जिसमें आपका ये एफ डैश डबल डैश एक्स पॉजिटिव चाहिए तो आप देखोगे कि आपका एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर दो values के लिए एक तो आ रहा है दूसरी वैल्यू जो आपको मिल ठीक है इन दोनों का यूनियन कैलकुलेट कर लो नंबर लाइन पे लिख के यूनियन वगैरह ऑलरेडी सिखा चुका हूं आपको ये आंसर आपको मिल जाना चाहिए माइनस टू बाई ए से लेके थ्री ए बाई थ्री तक चेक कर लो कितने लोगों का ये सेम आंसर आ गया था ये मैच कर लो बाकी यूनियन वगैरह लेना इंटरसेक्शन वगैरह लेना ये सब पहली क्लास का काम है आपको यूनियन लेना भी सिखाया था इंटरसेक्शन लेना भी सिखाया था सब कुछ ऑलरेडी सिखाया था चेक कर लीजिए तो जितने भी लोगों का ये आंसर आ रहा था माइनस टू बाई ए से लेकर ए बाई थ्री तक दे आर गेटिंग द करेक्ट आंसर बाकी जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया वो लोग एक बार दोबारा ट्राई कर लेना बाकी जिनको ट्राई करना ही नहीं है उनके लिए तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है ठीक है तो ये तीन क्वेश्चन थे ये तीन क्वेश्चन ऑलरेडी आपको ट्राई करके आने चाहिए थे तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ होगा नहीं आपको सवाल लगाना पड़ेगा तब कहीं जाके आपके एग्जाम में सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बनेगी ठीक है चलो आज का सेशन फिर स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अब देखो जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है ना वो इलेवन ट्वेल्थ लेवल पर तो बहुत आसान लगता है कि हम लोग क्या करें एफेक्स का एक फंक्शन दे रखा होगा उसको पहले डिफ्रेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेंगे फिर डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे पॉजिटिव आ जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो मिनिमा नेगेटिव आ जाएगा तो मैक्सिमा यहीं तक कहानी जाके जनरली ख़त्म हो जाती है बट अगर उसके बाद की कहानी आपको समझनी है तो उसके लिए अगेन डबल डेरिवेटिव इतना सीधा नहीं होता जितना सीधा दिखता है तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के हम लोग कुछ खासियत देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर आप देखते तो जैसे ही आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं अब उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे आप वे भी करो बना के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का अंदाजा लगा पाते हो मैक्सा मिनिमा का अंदाजा लगा पाते हो तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही सॉल्व कर दे रहा है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत क्यों पड़ी या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ऐसी और कौन सी खास इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जो शायद फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव से नहीं मिलती तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो सभी लोग बताओ क्या सभी लोग रेडी हैं सेकंड ऑर्डर डेरेवेटिव टेस्ट पढ़ने के लिए तो बहुत ध्यान से अगले पंद्रह से बीस मिनट तक सभी लोग मेरी बातें सुनेंगे कौन कौन से पॉइंट्स में बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ वो पॉइंट सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा मैंने बोला अगर आप जाके देखोगे पिछले कम से कम दस साल का पेपर तो एक भी साल ऐसा नहीं होगा जिस बार आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव से सवाल नहीं आया हो हर बार एप्लीकेशन ऑफ डेरेवेटिव से सवाल आता है और थोड़ा सा टेढ़ा सवाल आता है सीधा सवाल कभी आता ही नहीं है तो उसके लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए फाइन चलो शुरू करते हैं आज का सेशन अब देखो सेकेंड डेरीवेटिव टेस्ट क्या होता है समझ समझिए सबसे पहले हमारा स्टेप वन होता है आइडेंटिफाई एफेक्ट्स एंड इट्स डोमेन तो जो भी आपका एफेक्ट्स दिया होता है ना वो आप आइडेंटिफाई कर लो और उसका डोमेन निकालो अब डोमेन वगैरह देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है ना डोमेन कौन से होते हैं जनरली हमें रियल सॉरी पॉलिनोमियल्स वगैरह मिलते हैं बहुत ज़्यादा कभी कुछ मिल गया तो एल एन मिल गया अदरवाइज वन बाई एफेक्स टाइप का कोई एक्सप्रेशन मिल गया इससे ज़्यादा तो हमें ज़्यादा कुछ मिलता नहीं फाइन चलो आते हैं स्टेप टू पे स्टेप टू को डिफरेंशिएट करो इक्वल टू जीरो पुट करो एक इक्वेशन बन जाएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करो और यहां से कैलकुलेट कर लो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ऐसा जरूरी नहीं कि है कि सिर्फ एक ही एक्स इक्वल टू एक्स नॉट आए हो सकता है एक्स वन आ जाए एक्स टू आ जाए जा, बहुत सारे हो सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आ जाए तो मैं एक सर्टेन क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं यहां पे जो आपको एक्स इक्वल टू एक्स नॉट दिखेगा इट इज कॉल्ड एज योर क्रिटिकल फाइन ठीक है तो ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आ सकते हैं जो हमने यहां पर एक्सिक्वल टू एक्सनॉट के तौर पे लिखे हुए हैं आइए अब क्या करते हैं यहां पे? पे जाएंगे अब देखो यहां पे ना आपको बहुत केयरफुल रहने की के जरूरत है और जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है आपने एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट किया अब देखो एफ डबल डैश एक्स में जब आप एक्सिक्वल टू एक्स नॉट पुट करोगे ना तो तीन पॉसिबिलिटी बनेगी या तो ये पॉजिटिव आ जाएगा या तो ये नेगेटिव आ जाएगा तीसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये क्या आ जाए ज़ीरो जो कि बहुत ऑब्वियस है जो कि हर कोई समझ सकता है चलो देखो अगर तो ये पॉजिटिव आ गया तो आप यहीं पे रुक जाएंगे और बोलेंगे एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम हमेशा लोकल वर्ड हम लोग अभी तक यूज़ करते हैं तो पॉजिटिव साइन आने पर हमेशा क्या वर्ड आप यूज़ करते हो लोकल मिनिमम ठीक है वैसे अगर ये नेगेटिव आ गया तो आप क्या बोलोगे यहाँ से एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिम इसमें भी कोई डाउट है नहीं चलो अब बताओ क्या करें बाई दीरोके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे तो सबको पता है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिम यहाँ पे भी सबको पता एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सम आप मुझे बताइए अगर इसका डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाता है किसी सर्टन पॉइंट पे तो आपके हिसाब से मुझे कौन सा फर्दर स्टेप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहिए या फिर यहाँ पे कौन सा कमेंट देना चाहिए ये पहले आप बताएंगे उसके बाद मैं आपको समझाना शुरू करूंगा कि अगर ये जीरो आ जाता है तो इसके बाद हमको क्या करना चाहिए या फिर कौन से रिक्वायर्ड स्टेप्स के बारे में सोचना चाहिए तो सभी लोग फटाफट रेडी हो जाओ और आंसर बताना स्टार्ट करो <coughs> बोलिए अरे इसका आंसर बताओ यार हमेशा जिंदगी भर दूसरों को ही करेक्ट करते रहोगे क्या पूरी जिंदगी दूसरों को ही करेक्ट करते रहोगे अपने आप को भी करेक्ट करोगे दूसरों को ही करेक्ट करेगी <coughs> दूसरों को करेक्ट करने में कितना मजा आता है ना अगर वही चीज आप अपने साथ कर लो अपने आप को अगर करेक्ट कर लो तो कहाँ से कहां पहुंच जाओ बट दूसरों को करेक्ट करना है दूसरों को जज करना है दूसरे की कमी बहुत जल्दी निकाल देनी चलो चेक करते हैं हाँ तो इसके बाद क्या करते हैं बाई द वे अगर आपका एफ डबल डैश एक्स नॉट जीरो आ जाता है तो आप करोगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन अपने आप को करेक्ट कर लो भाई दूसरे को बाद में कर लेना फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन समझिएगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है देखने की कोशिश करें तो देखो अगर आपका डबल डेरिवेटिव टेस्ट यहां पे आ जाता है जीरो तो ऑब्वियसली आप जाओगे ट्रिपल डेरिवेटिव टेस्ट ठीक है यहां से ट्रिपल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना अगर ट्रिपल डेरिवेटिव नॉट जीरो आता है अगर ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो आता है ना इसीलिए मैं बोल रहा हूं बहुत केयरफुली सुनो तब एक बार में आप समझ जाओ अगर तो ये जीरो आ जाता है यहां पे नॉट इक्वल टू जीरो तो आप बोलेंगे x इक्वल टू एक्स नॉट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या फिर और सैडल पॉइंट तो आप मुझे बताना आप इससे पहले आज की क्लास से पहले किसी ने कभी सैडल पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का नाम सुना है या क्लास में मैंने डिस्कस किया है कभी बताइए आज से पहले कभी ये वर्ड यूज हुआ है क्लास में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या फिर सैडल पॉइंट तो अगर आप याद करने की कोशिश करते हैं जब मैंने आपको एफ एक्स इजुक्ल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बताया था इनिशियल क्लासेस में तो जब एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बना रहे थे तो वहाँ पे एक बार छोटा सा डिस्कशन हुआ था सैडल पॉइंट का वहाँ पे छोटा सा डिस्कशन सैडल पॉइंट का हुआ था उसको मैं थोड़ी देर में वापस से कोरिलेट भी करता हूँ ठीक है ये मिल गया आपको अब यहाँ से देखो दो चीज़ें आपको मिल सकती थी सैडल पॉइंट का मतलब क्या हो गया सैडल पॉइंट का मतलब यही तो हो गया कि ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा क्योंकि देखो मैक्सिमा और मिनिमा तो आपने यहीं पे जज कर लिया दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा तो सैडल पॉइंट का मतलब आप पहली चीज़ तो ये समझो कि उस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा कर करेगा ना तो मिनिमा कर करेगा यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन होगा वो हमेशा कैसा होगा या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग तो अगर ये पॉइंट डालने पर आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव आता है तो आप बोलेंगे एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग यहां पे आप बोलोगे एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट एफ एक्स इज डिक्रीजिंग यानी क्या आप बोल सकते हो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन या सैडल पॉइंट का मतलब होता है नीदर मैक्स नॉर नॉर्मल तो ये वाला पॉइंट हो गया ना तो मैक्सिमम नॉर मिनिमम समझ आ गया सभी को तो आई थिंक ये पॉइंट भी सभी को समझ में आया अब देखो अगर एफ ट्रिपल x आपका जीरो आ जाएगा फिर से वही कहानी आगे बढ़ा लेना फिर से वही कहानी आगे बढ़ा लेना मतलब इस बार आप क्या करोगे इसको चार बार डिफ्रेंशिएट करना और वही सेम पॉइंट डालना फिर से तीन पॉसिबिलिटी राइस हो सकती ठीक है बाय द वे पॉजिटिव आए नेगेटिव आए पॉजिटिव में उल्टा ही बोलना आपको क्या लोकल में शॉर्ट में मैं लिख दे दू ये लोकल मैक्स ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलो ठीक है तो ये पूरा पहले चार्ट अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। तो पहले पूरा चार्ट अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करो चार्ट अगर आपके दिमाग में बैठ रहा है तो मैं इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करता हूं और आपके दिमाग में इसको बिठाने की कोशिश करता हूँ कि अल्टीमेटली हम इस पूरे के पूरे चार्ट से जज क्या करना चाह रहे हैं या फिर किसी सर्टेन पॉइंट का बिहेवियर किस तरीके से हम पिकअप करना चाहते हैं ठीक है जल्दी चेक करिए चेक कर लिया सभी लोगों ने चलो आ जाओ फिर से शुरू करते हैं क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहले आप एफ को आइडेंटिफाई करो और उसकी डोमेन को आइडेंटिफाई कर लो तो एफ और उसकी डोमेन को आपने आइडेंटिफाई कर लिया सेकेंड स्टेप में आपको सिंपली एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देना है बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उसमें से एक क्रिटिकल पॉइंट्स आप उठाइए एक सिक्वल टू एक्स नॉट को और डबल डेरिवेटिव निकाल के उसको कैलकुलेट करो अगर तो वो पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम अगर तो नेगेटिव आ गया मैक्सिमम कोई डाउट ही नहीं है बट अगर आपका एफ डबल डैश एक्स नॉट कैसा आ गया जीरो तो आप जाओगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे आप ट्रिपल इंटीग्रेशन ट्रिपल डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे ट्रिपल डेरिवेटिव अगर जीरो आता है फिर से फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये बन जाएगी नॉन जीरो आता है तो आप इमीडिएटली बोल सकते हो दिस विल बिकम द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और सैडल पॉइंट और द पॉइंट वेयर नीदर मैक्सिमन और कर्स और द पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग और द पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग बिहेवियर करेक्ट चेक करिए तो मैं चाहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा फ्लो है ना कि आप एक बार अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करो कि यहाँ पे चल क्या रहा है यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से नोटिस करने की कोशिश करो तो जो इवन ऑर्डर डेरेवेटिव्स हैं इवन ऑर्डर डेरेवेटिव हमेशा क्या बता रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा चेक करो पहले कौन बता रहा था सेकेंड ऑर्डर डेरेवेटिव अभी कौन बता रहा है फोर्थ ऑर्डर डेरेवेटिव तो जितने भी आपके इवन ऑर्डर डेरेवेटिव्स होते हैं वो हमेशा क्या बताते हैं मैक्सिमा और मिनिमा बताते हैं

क्लियर हो गया सभी को ये पॉइंट क्या क्या करना है कैसे कैसे डिस्कशन करना है कौन कौन से पॉइंट्स पे क्या बोलना है ठीक है तो आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आए अब आप इस चार्ट को चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो अब देखो अलग से मैं डिस्कशन करना चाहता हूं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या फिर सैडल पॉइंट का तो देखो जब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या सैडल पॉइंट का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो दो तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और सैडल पॉइंट से जरा ध्यान से समझिए एक तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या सैडल पॉइंट का कि आपको एक सर्टेन पॉइंट दे देगा और आपसे पूछेगा कि क्या ये सर्टेन पॉइंट आपका सैडल पॉइंट है या नहीं पहले तो ध्यान से सुन लीजिए फिर इस डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं आपसे पूछेगा कि कोई पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट है फ इट इज सैडल पॉइंट और नॉट एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है सैडल पॉइंट और नॉट तो देखो क्या क्या आप चेक करोगे इस पॉइंट पर दो चीजें होनी चाहिए केस वन केस वन में क्या हो सकता है आपका डबल डेरीवेटिव इस पर क्या हो जीरो एट द सेम टाइम ट्रिपल डेरीवेटिव क्या हो नॉन जीरो समझना मैं क्या लिखा या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो सेकेंड डेरिवेटिव हो वो भी जीरो हो ट्रिपल डेरिवेटिव वो भी जीरो हो चौथा ऑर्डर डेरिवेटिव वो भी जीरो हो बट पाँचवा ऑर्डर जो डेरिवेटिव आ रहा है ये नॉन जीरो तो लास्ट ऑर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा क्या होना चाहिए नॉन जीरो ऐसे करके इन्फानिट नंबर ऑफ केसेज आप बना सकते हो तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे कि एक पॉइंट है आप चेक करके बताइए कि ये पॉइंट आपका सैडल पॉइंट है या नहीं तो आप सिंपली क्या करोगे इवन ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो फॉलोड बाई ऑर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो ऐसा भी आप कर सकते थे कि सेकेंड भी ज़ीरो होता थर्ड भी फोर्थ भी फिफ्थ भी सिक्स भी जीरो होता तब सेवन्थ जाके नॉन ज़ीरो होता यानी कि जो भी लास्ट ऑर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए जीरो होना नॉन ज़ीरो होना चाहिए तो यहां पे आप लिख सकते हो लास्ट ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी नॉन जीरो तो ये पॉइंट बता दो कितने लोगों को समझ में आ गया कि अगर कोई पॉइंट दिया है तो अब बहुत इजीली आप चेक कर सकते हो फाइन एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है सारी बातों को पहले सुनेंगे समझेंगे प्रोसेस करेंगे फिर उनको क्वेश्चंस में डायरेक्टली हम लोग अप्लाई करेंगे सो so एवरीवन जल्दी से मुझे बताइए और इस डिस्कशन को फिर आगे बढ़ाते हैं तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया सैडल पॉइंट से रिलेटेड कि अगर कोई पॉइंट आपको देता है एक सिकुल्डो एक्स नॉट और आपसे पूछता है कि बताना जरा ये पॉइंट सैडल पॉइंट है या नहीं तो आप आराम से कैलकुलेट करके बता सकते हो या तो यहाँ से बता देना अगर बाय द वे यहां की नौबत आती है जनरली आपको फर्स्ट केस में वेरीफाई हो जाता है इन सम ऑफ द वर्स्ट केसेस आपको शायद यहाँ तक जाना पड़े केस टू तक भी जाने की नौबत कभी कभी आती है बट मोस्ट ऑफ द केसेज में आप केस वन से बता पाते हो करेक्ट पहला पॉइंट भी सभी लोगों को समझ में आए चलो अब एक दूसरे पॉइंट की बात करते हैं पहले समझेंगे फिर कुछ नोट्स भी लिखेंगे इंपॉर्टेंट एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसमें पूछेगा एक फंक्शन दे रखा होगा गिवेन एफेक्ट्स इज अ फंक्शन अब देखो दोनों क्वेश्चंस में अगर आप डिफरेंस समझ पाओ तो मुझे डिफरेंस बताने की कोशिश करो इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया था और पूछ रहा था कि क्या वो पॉइंट सैडल पॉइंट है या नहीं है ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया था और आपसे पूछ रहा था कि क्या वो पॉइंट सैडल पॉइंट है या नहीं इस क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दे रखा है और बोल रहा है सारे के सारे सैडल पॉइंट्स आप कैलकुलेट करके बताइए कौन कौन से सैडल पॉइंट्स एक्जिस्ट कर सकते हैं तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है टू कैलकुलेट ऑल द सैडल पॉइंट्स प्रोसेस स्टेप वन कैलकुलेट एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो स्टेप टू अब देखो यहां पे फिर से आपका वेवी कर्व आपकी मदद करने के लिए आ गया स्टेप टू प्लॉट वेवी कर्व ऑफ़ एफ डबल डैश एक्स इस बार देखो एफ डबल डैश एक्स का वेवी कर्व बनाने के लिए बोल रहा है स्टेप थ्री फाइंड आउट साइन चेंजेस ऑफ एफ डबल डैश जिन जिन पॉइंट पे आपके साइन चेंजेस होंगे वो वाले पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे पॉइंट ऑफ इनफ्लिएशन तो जो जो भी पॉइंट चेंज देंगे changes, और वही पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो आई होप आपके दिमाग में ये मैपिंग हो गई कि आप क्या क्या कर पा रहे हो आप सबसे पहला काम क्या कर पा रहे हो एक तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट थे मैक्सिमम मिनिमा बता पा रहे हो उसमें कोई बड़ा चैलेंज नहीं वो हमें बताना आता है बट हमारा मेन मुद्दा आज की क्लास में ये था कि क्या हम सैडल पॉइंट को क्रैक कर पा रहे हैं या नहीं तो सैडल पॉइंट में क्वेश्चन दो तरीके के आएंगे एक तरीके का क्वेश्चन आएगा उसमें पॉइंट दे देगा आपको और पूछेगा कि बताओ ये सैडल पॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता तो उसके लिए कौन सा मेथड फॉलो करेंगे ये जो मेथड मैंने अभी आपको बताया एक क्वेश्चन आएगा आपको फंक्शन दे देगा और बोलेगा इस फंक्शन के सारे सैडल पॉइंट्स निकाल के मुझे बताओ तो आपको उसको एक केस में क्या करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट कर लेना और उसी का आपको वेविक्योर बनाना है जब आप ऐसा करोगे तो आप चेक कर लेना कि एफ डबल डैश एक्स के कहाँ कहाँ पे साइन चेंजेस हो रहे हैं जहां जहाँ पे एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज होगा वो सारे के सारे हो जाएंगे आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन करेक्ट चेक करिए और बताइए ये दोनों पॉइंट अगर क्लियर होते हैं तो एक तीसरा पॉइंट और बताता हूँ फिर तीनों को आपस में रिलेट करते हैं जब आप तीनों को आपस में रिलेट करोगे तो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आ जाएगा फिर डायरेक्टली उसको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं करेक्ट बोलो क्या इसका एक प्लेलिस्ट बना दीजिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है और कौन सा प्लेलिस्ट बना दो तुम्हारे लैपटॉप में या यूट्यूब पे देखो अगर लैपटॉप तुम्हारा है तो प्लेलिस्ट भी तुम्हें को बनानी पड़ेगी बाकी यूट्यूब पे तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है फाइन चलो आराम से अभी समझना है अभी कोई कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं अभी ग्रेजुअली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आइए क्या करते हैं ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी लेने की कोशिश करते हैं सैडल पॉइंट की अब जरा ध्यान से समझना देखो यहाँ पे आपने क्या फाइंड आउट कर लिया कि जहां जहां पे एफ डबल डैश एक्स के साइन चेंजेस हो रहे हैं फाइंड द साइन चेंजेस ऑफ एफ डबल डैश एक्स एट पॉइंट्स दो पॉइंट्स विल भी पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन एक लास्ट पॉइंट देखो फिर सारी चीज़ों को इकट्ठा एक जगह पर कंक्लूड भी करते हैं फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना जो हमारा हर क्लास में तरीका होता है कुछ मैं आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप मुझे बताओ एफ ये दे रखें ठीक है यहाँ से मैं दो ग्राफ्स आपको बना के दिखाता हूँ कॉनकेव डाउन कॉनकेव अप इसका नाम क्या होता है दिस इज कॉनकेव डाउन वॉट इज दिस कॉनकेव अप चलो देखो यहां पे मैं हर एक पॉइंट पे टैजेंट बनाना चाहता हूँ ये लो एक टैंजेंट यहाँ एक टैंजेंट यहाँ एक टैंजेंट यहाँ चेक करें अगर इन सारे ही पॉइंट्स पर मैं एफ डैश एक्स कैलकुलेट करता हूँ ये एफ डैश एक्स ये एफ डैश एक्स और ये एफ डैश एक्स अगर आप ध्यान से नोटिस करते हैं यहाँ पे एफ डैश एक्स कैसा था पॉजिटिव है ना क्योंकि ये वाली लाइन आपके एक्स एक्सेस से क्यूट एंगल बना रही है यहाँ पे एफ डैश एक्स कैसा था जीरो क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई यहाँ पे एफ डैश एक्स कैसा होगा नेगेटिव यानी अगर मैं कॉन्केव डाउन के ग्राफ को देखता हूँ तो मेरा जो एफ डैश एक्स है इट इज डिक्रीजिंग दिख रहा है ना सभी को एफ डैश एक्स पहले पॉजिटिव था फिर एफ डैश एक्स जीरो हो गया फिर एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव हो गया यानी कि कॉन्केव डाउन के केस में आपका एफ डबल डैश एक्स क्या करना चाहिए एक डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए आप मुझे बताइए अगर एफ डबल डिक्रीजिंग फंक्शन है सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट f डबल अब एक्स आपका नेगेटिव होना चाहिए या नहीं बोलो कोई भी फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा कैसा होना चाहिए नेगेटिव अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग होता है तो एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव होता है एट द सेम टाइम वही सेम चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर आपका जो फंक्शन है जो ग्राफ है वो कॉन्केव डाउन है हमेशा तो ग्राफ अगर कॉन्केव डाउन है यानी उसका स्लोप हर एक पॉइंट पे डिक्रीज करता हुआ जाएगा या आप ऐसा बोल सकते हो एफ डबल डैश एक्स आपका लेस देन जीरो हो जाएगा सेम सिनेरियो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए ये यह देखिए यहाँ पे अगर मैं टैंजेंट बनाता था बहुत ध्यान से उसको सुनना है ना ये एक शॉर्टकट होता है जिससे आपको जल्दी आंसर मिल जाता है एफ डैश एक्स अगर आप कैलकुलेट करो ये था नेगेटिव यहाँ पे एफ डैश एक्स आपको क्या मिल जाएगा जीरो और यहाँ पे एफ डैश एक्स आपको क्या मिल जाएगा पॉजिटिव है ना है ना काफी सिंपल यहाँ पे भी देखो ये वाली जो लाइन है ये नेगेटिव स्लोप बनाएगी ये जीरो स्लोप ये वाली लाइन पॉजिटिव स्लोप तो यहाँ पे आप बताइए जो आपका एफ डैश एक्स था क्या आपका एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग था यस एफ डैश एक्स आपको बढ़ता हुआ दिख रहा था कौन के आपके केस में यानी अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ़ डबल डैश एक्स आपका क्या हो जाना चाहिए पॉजिटिव या ग्रेटर देन ज़ीरो अब एक बात बताना मुझे एक बात मुझे बताना सभी लोग सोच समझ के और आंसर करना ध्यान से सुनो जब आपका एफ डबल डैश एक्स साइन चेंज कर रहा है यानी एफ डबल डैश एक्स आप बोल रहे हो जिस जिस पॉइंट पे साइन चेंज करेगा वो पॉइंट्स मेरे सैडल पॉइंट्स होंगे तो जिन जिन पॉइंट्स पे आपका एफ डबल डैश एक्स साइन चेंज कर रहा है यानी एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो ग्राफिकली आप सोच पा रहे हो क्या हो रहा है आप देखो जब एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है तो आपका जो ग्राफ है वो कैसा है कॉनकेव डाउन जब आपका एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो ग्राफ आपका कैसा है कॉनकेव अप यानी ग्राफिकली जहां पे कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन का ट्रांजिशन होगा या कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप का ट्रांजिशन होगा उन पॉइंट्स के अराउंड एफ डबल डैश एक्स अपना साइन चेंज करेगा चाहे तो आप चेक करके देख लो अगर किसी ग्राफ में मेरा शेप कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन में चेंज हो रहा है तो उन पॉइंट्स के अराउंड मेरा एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा और अगर एफ डबल डैश एक्स उस पॉइंट के अराउंड अपना साइन चेंज कर रहा है तो क्या मैं उस पॉइंट को सैडल पॉइंट बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ और नो बोलिए आराम से चेक करिए आराम से समझिए तीनों चारों पॉइंट्स को आपस में हमको कनेक्ट करना है तो मैंने आपको बताया कि एफ डबल डैश एक्स अगर आप नोटिस करने की कोशिश करो तो एफ डबल डैश एक्स आपका साइन चेंज कर रहा है कहां से कहां तक जब आप ये कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप में जाने की कोशिश करो तो अब आपके पास सैडल पॉइंट से रिलेटेड अगर आप नोटिस करने की कोशिश करो तो टोटल तीन कंसेप्ट आ गए पहला कंसेप्ट अगर किसी सर्टेन पॉइंट पे आपको डिसाइड करना है कि वो सैडल पॉइंट है या नहीं है तो आप उसका डबल डेरिवेटिव और ट्रिपल डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे डबल ट्रिपल या फिर फोर और फाइव ऐसे कैलकुलेट करते हुए एक सर्टेन पॉइंट का सैडल पॉइंट होना ना या होना आप डिसाइड करोगे सेकेंड अगर आपसे पूछा जाता है कि एक सर्टेन फंक्शन देता है और उस फंक्शन को पूछता है कि क्या ये फंक्शन में कितने नंबर ऑफ़ सैडल पॉइंट्स आ सकते हैं तो वहाँ पे आप हमेशा f डबल डैश एक्स बनाना और उसका वीवी कर प्लॉट कर देना जहाँ जहाँ पे साइन चेंजेस आएंगे वो सारे के सारे आपके हो जाएंगे सैडल पॉइंट तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ग्राफिकली मैंने बताई ऐसे सारे के सारे ग्राफ जहां पे आपका कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन का ट्रांजिशन होगा या कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप का ट्रांजिशन होगा एट दो पॉइंट्स देयर विल बी सर्टेनिटी कि ये एफ डैश एक सपना साइन चेंज करेगा यानी आप बोल सकते हो कि वो पॉइंट्स में मेरे हो जाएंगे सैडल पॉइंट्स तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए अगर ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए तो मैं इनसे कुछ समरी लिखना चाहता हूँ बट समरी लिखने से पहले आ, मैं आ, मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना चाहता हूँ समरी लिखने से पहले मैं एक दो स्टेटमेंट्स बोलना चाहता हूँ अगर आप स्टेटमेंट के आंसर्स बताने के लिए रेडी हो तो आप मुझे बताइए फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बोल रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से सुनना और उन स्टेटमेंट्स के बारे में बताने की कोशिश करना ठीक है स्टेटमेंट्स बोले <coughs> किसका यश yes का बर्थडे हैप्पी बर्थडे यश बारह बज गया क्या चलिए आपको बहुत बहुत बधाई ओके okay, फाइन चलो पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग सुनिए ध्यान से और उसका आंसर करने की कोशिश करिए फर्स्ट क्वेश्चन इन एनी ग्राफ इन एनी ग्राफ इफ

इफ इन एनी ग्राफ द कॉन्केव अप ने कन्वर्टेड इंटू कॉन्केव डाउन एटेन पॉइंट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दैट कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये करेक्ट ये पॉइंट भी करेक्ट अगला केस नेक्स्ट केस इन एनी फंक्शन इन एनी फंक्शन द 80th order derivative is zero at certain point but 81st order derivative is non zero then that point can be called as a saddle point in any function the 80th order derivative at certain point is zero but the 81st order derivative is non zero so that point can be called as your saddle point स yes, है ना तो सैडल पॉइंट की कुछ कुछ बात दिमाग में क्लियर हुई तो आई थिंक सैडल पॉइंट की कुछ कुछ बातें आपको अपने दिमाग में अच्छी तरीके से क्लियर हुई ठीक है चलो एक चीज और लास्ट देखते हैं फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं एक मैं आपको शॉर्टकट और समझा देता हूँ फिर आते हैं डायरेक्टली पॉइंट में देखो इसका ग्राफ देख लो ऐसा ग्राफ ठीक है ये पॉइंट हो गया आपका एक्सिक्वल डू जीरो इस ग्राफ को अगर मैं X के अराउंड स्टडी करूं तो आप एक चीज यहां पे नोटिस करना बहुत ध्यान से एक चीज नोटिस करना कॉनकेव डाउन के केस में जितने भी टेंजेंट्स हैं ये हमेशा ग्राफ के ऊपर है चाहो तो आप चेक कर लो ये वाला रेड टेंजेंट ये वाला रेड ये वाला रेड हमेशा ग्राफ के ऊपर है तो कॉनकेव डाउन में जितने भी टेंजेंट होते हैं ना ये हमेशा क्या होते हैं अपसाइड ऑफ द ग्राफ और कॉन्केव अप में अगर आप देखोगे ना तो जितने भी टेंजेंट होते हैं ये आपके होते हैं डाउन साइड ऑफ द कर्व नोटिस करिए और बताइए है ना तो देखो कॉन्केव से कॉन्केव डाउन जाना या वाई सी वर्षा जाना ना आप टेंजेंट से भी ट्रैक कर सकते हो जहां पे टेंजेंट ग्राफ के ऊपर से ग्राफ के नीचे चला जाए या नीचे से ऊपर चला जाए वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया जैसे यहां पे चेक करो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट डालता तो बताना ग्राफ के ऊपर था टेंजेंट यस और अगर मैं यहाँ पे डालता तो ग्राफ के नीचे आ गया अब भले ही मुझे नहीं पता कि कॉनकेव के से कॉनकेव डाउन जा रहे हैं या क्या जा रहे हैं बट इतना तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि ये टेंजेंट पहले ग्राफ के ऊपर था इस पॉइंट के बाद ग्राफ के नीचे आ गया तो हंड्रेड ये वाला पॉइंट विल बी सैडल पॉइंट या इस पॉइंट पर एफ डबल डैश एक्स अपना साइन चेंज करेगा या इस पॉइंट के अराउंड कौन के वप नेचर कौन केव डाउन में कन्वर्ट होगा कौन केव डाउन कौन के वफ में कन्वर्ट होगा काइंड ऑफ एक्सप्रेशन वी कैन ऑलवेज टेल फाइन चलो तो सारी बातें अब हम लोगों ने इंक्लूड कर ली अब बस एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है अगर आप वो लास्ट पॉइंट भी समझ लो तो फिर क्वेश्चन हम लोग करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे तो आई थिंक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जल्दी से मैं रिवाइज करवा देता हूँ जो लोग लेट ज्वाइन हुए जल्दी से देख लो वैसे लेट ज्वाइन हुए है तो जल्दी से क्या ही समझ में आएगा बट सुनना हो तो सुन लो देखो पहले तो क्वेश्चंस कर लिए फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में कुछ करना था नहीं एफ एक्स निकाला एफ डैश एक्स कैलकुलेट करके आपने जीरो निकाल दी जीरो निकालने के बाद आपने ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया पॉजिटिव नेगेटिव के कमेंट बचपन से देते हुए आ रहे हैं इक्वल टू जीरो वाला मैंने आपको फ्लो समझा दिया नॉट इक्वल टू जीरो आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और बाकी ये फ्लो चार्ट आप आगे बढ़ाते रहे ना इसमें कोई डाउट है नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट दिक्कत तब आती है जब सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पिक्चर में आता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से रिलेटेड मैंने आपको काफी सारे कंसेप्ट समझा दिए दो तरीके की चर्चा हुई कि अगर एक सर्टेन पॉइंट पे आपको सैडल पॉइंट डिसाइड करना है तो आप वहाँ पे या तो ग्राफिकली चेक करो कि वो पॉइंट के अराउंड कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन नेचर चेंज हो कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप नेचर चेंज हो या फिर टैंजेंट नीचे से ऊपर चला जाए ऊपर से नीचे चलाए या फिर अगर मैथमेटिकली चेक करना चाहते हो तो मैथमेटिकल टेस्टिंग के लिए ये मैंने आपको क्राइटेरिया बता रखा है तो तीनों जगह तीनों ही जगह से एक सर्टेन पॉइंट पे सैडल पॉइंट की कैलकुलेशन हमेशा कंप्लीट हो जाएगी बट अगर आपको सारे सैडल पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए किसी क्वेश्चन में बोलता है कि सारे सैडल पॉइंट निकालो फिर वहाँ पे सिंपली एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट कर लेना और वी वी करो बना के एफ डबल डैश एक्स के डेरिवेटिव चेक कर लेना अब मेरा आखिरी सवाल इस क्वेश्चन में ये है इस पूरे डिस्कशन में ये है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो बस आप मुझे बताना फिर मैं तीन पॉइंट्स आपको लिख के दूंगा वो तीन पॉइंट्स याद रखना चलो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो स्टेटमेंट आप मुझे बताना आपने एफ़ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो किया तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि यहाँ पे एक ही एक ही आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलता है सपोज आपको कुछ एन नंबर ऑफ़ क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज पाँच लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए चलो पाँच मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स लिख दिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन के सभी लोग बताएंगे बताइए ये जो आपने क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट किए सारे के सारे क्या क्या इन्हीं में से कोई एक सैडल पॉइंट होगा या सैडल पॉइंट इनके अलावा भी कोई एग्जिस्ट कर सकता है मैं अपना क्वेश्चन फिर से रीफ्रेम कर सकता हूँ दैट सैडल पॉइंट हैज़ टू बी आउट ऑफ वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स और इट मे और मे नॉट बी फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट्स ठीक है तो ये लास्ट क्वेश्चन अगर आप आंसर करो फिर हम लोगों का पूरा टॉपिक आज का हो जाएगा कंप्लीट वो हम लोगों ने समअप भी कर लिया जस्ट एक लाट लास्ट पॉइंट जो कि आप अगर मुझे बताते हो तो मैं उस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ ध्यान से सुनिए मैंने पूछा अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो पुट किया और आपको पाँच क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए तो क्या सैडल पॉइंट इन्हीं पाँच क्रिटिकल पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट होंगे या इसके अलावा भी कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं सो वेरी क्विकली एवरी वन अहमद का बोलना है मे और मे नॉट बी मे और मे नॉट बी आउटसाइड ऑल्सो ठीक है तो जितने भी लोग ऐसा बोल रहे हैं जितने भी लोग ऐसा बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं आई ऑल्सो अग्री विद यू कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो आपका सैडल पॉइंट है वो क्रिटिकल पॉइंट्स में से ही आए आ भी सकता है नहीं भी आ सकता वी आर नॉट श्योर ठीक है तो चलो तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इवन ऑर्डर डेरिवेटिव इवन ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बताता है गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मैक्सिमा और मिनिमम सेकेंड ऑर्ड ऑर्डर गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट सैडल पॉइंट और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर इवेंचुअली सैडल पॉइंट की इंफॉर्मेशन दे दे या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के नेचर नेचर दे दे मोर लेस दे आर सेम इट गिव्स द नेचर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की क्लास का थर्ड थर्ड सैडल पॉइंट मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मे और मे नॉट बी द पार्ट्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स ठीक है बोलो चले क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें अब देखो क्वेश्चन लगाने में बहुत मजा आएगा क्योंकि अब सारे कंसेप्ट हो गए क्लियर और हमने दुनिया भर की चीजें सीख ली अब क्या करते हैं इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में तो अब क्वेश्चन हमारे लिए हो जाएंगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ठीक है क्वेश्चन हमारे लिए हो जाएंगे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो सभी लोग बताइए आर यू रेडी टू सॉल्व दीज क्वेश्चन बिल्कुल सही बात है इसके अलावा भी एग्जिस्ट करेगा सभी लोगों ने ठीक बोला आई यू ऑल्सो अग्री विथ योर स्टेटमेंट ठीक है तो चलो क्वेश्चन लगाने के लिए रेडी हो जाओ अब देखो अब आप एक सिंगल क्वेश्चन से ना कितनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो मतलब अब आप पूरी तरीके से खेल सकते हो क्वेश्चन में जो भी डेटा दे रखा है उसके अराउंड आइए कैलकुलेट करते हैं ये क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन से पूछ रहा है सारे सैडल पॉइंट निकाल के बताओ तो पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप खुद मुझे आंसर बताओ फिर मैं इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन की इनफॉर्मेशन देखना एक फंक्शन दे रखा है पूछ रखा है सारे सैडल पॉइंट आप निकाल के बता दो कितने सैडल पॉइंट इसमें आ सकते हैं तो सभी लोग आंसर बताइए अब सैडल पॉइंट का क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं हो सकता क्योंकि सैडल पॉइंट में दो ही क्वेश्चन आते हैं एक पॉइंट देके पूछेगा सैडल पॉइंट है या नहीं उसमें चाहे डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेना ग्राफ बन सके तो ग्राफ बना के टेंजेंट का ऊपर नीचे होना चेक कर लेना कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन होना चेक कर लेना कुछ भी चेक कर लेना आप बता दोगे कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं मैं ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ अभी आप उसको ग्रेजुअली अंदाजा लगा के बताना बाकी अगर ऐसा फंक्शन दे दिया कि ये फंक्शन है सैडल पॉइंट निकालो सारे तो भी हमको कैलकुलेशन करनी आती है विच वीडियो लेक्चर्स यू हैव टू फॉलो यार एनपी टल के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो अगर आपको वी एल एस आई समझना है ना क्योंकि इस चैनल पे अभी वी वस आई का कोई लेक्चर हुआ नहीं या तो फिर अगर आप सर्च कर लो किसी और यूट्यूब चैनल पे वी एल एस आई से रिलेटेड कंटेंट है ठीक है माइनस तीन माइनस तीन जीरो भी आ रहा है कुछ लोगों का साइन चेंज होना चाहिए मेरे भाई एफ डैश एक्स का रूट नहीं निकालना है आपको चेक करना है कहाँ पर एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है वो होते हैं सैडल पॉइंट्स है ना तो जीरो कहाँ से आ जाएगा यार जो लोग जीरो दे रहे हैं और वो लोग सुधारो जल्दी से अपने आप को जीरो क्यों आएगा आप खुद बताओ क्या जीरो पे साइन चेंज होगा क्या आई डोंट थिंक सो चलो देखते हैं और देखते हैं एफ डैश एक्स तो एफ डैश एक्स यहाँ से मिला फाइव एक्स टू दावर फोर प्लस ट्वेंटी एक्स क्यूब ठीक है यहाँ से अगर मैं चाहता तो फाइव एक्स क्यूब कॉमन ले सकता था ये मुझे मिल जाता एक्स प्लस फोर क्रिटिकल पॉइंट्स अगर मैं कैलकुलेट करता यहाँ से तो क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे मिलते हैं एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू माइनस फोर ठीक है ये मुझे यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं यहाँ से मैं चाहता तो इसका बेबी कर्व बना सकता था तो ये माइनस फोर ये ज़ीरो प्लस माइनस प्लस ठीक है तो यहाँ से जो एक्स इक्वल टू ज़ीरो मुझे मिल रहा है इट इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मिन मैं पूरा इसके एनालिसिस कर दे रहा हूँ ना अब मुझे नहीं पता क्वेश्चन में पूछा क्या है मैं सब कुछ कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ एक्स इक्वल टू माइनस फोर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स हमेशा क्वेश्चन में ना पूरी एनालिसिस कर लो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स ठीक है अब अगर कोई मुझसे पूछता कि ये एफेक्ट्स का नेचर कैसा है मैं बोलता माइनस इन्फिनिटी से माइनस चार में ये एफेक्स बढ़ रहा है चार से ज़ीरो में ये एफेक्ट्स घट रहा है फिर ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ये एफेक्स बढ़ रहा है ये सब करने कराने के बाद एफ डैश एक्स से जितनी इंफॉमेसन मैं निकाल सकता था मैंने निकाल ली तो कितने लोग यहाँ तक कम्फर्टेबल कितने लोग ये बोल रहे हैं सर एफ डैश एक्स से जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते थे वो तो सारी आपने निकाल के हमको दे दी वो वफॉर्मेशन से हम लोग सेटिस्फाइड है क्योंकि एफ डैश एक्स आपने निकाला उसके बाद आपने एफ डैश एक्स का ही बेबी वी बना दिया आपने बताया एक्स इक्वल टू जीरो कैसा पॉइंट है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स एक्स इक्वल टू माइनस फोर पॉइंट ऑफ लोकल मीन ये दोनों निकालने के बाद हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह भी कैलकुलेट कर, कर लिया और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर भी जज कर लिया स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट में जज कर लिया कि ये जो फंक्शन है दिस फंक्शन विल इंक्रीज वेन रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस फोर दिस विल डिक्रीज फ्रॉम माइनस फोर टू जीरो जीरो टू इन्फिनिटी इट विल अगेन इंक्रीज डन है ना तो यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली जितने निकाल सकते थे अब आ जाते हैं डबल डैश पे डबल डैश पे आ जाओ डबल डैश में साइड में कर देता

तो क्या मैं मैक्सिम मिनिमा के बारे में बता सकता था बिल्कुल बता सकता था जहाँ पे ये नेगेटिव आता वहाँ पे मिनिमा जहाँ पे ये पॉजिटिव आता वहाँ पे मैक्सिमा और वो क्रिटिकल पॉइंट्स अगर मैं चाहता तो यहाँ पे डाल सकता था बट वो तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव से अंदाजा लगा लिया था तो शायद मुझे अभी ज़रूरत नहीं हाँ रही बात सैडल पॉइंट की तो सैडल पॉइंट के लिए अभी भी ओपन स्पेस है चेक करो यहाँ पर आपको दिख रहा है माइनस और एक दिख रहा है जीरो अब वे वी के बारे में अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए प्लस प्लस माइनस ठीक है देखो क्या माइनस तीन पर एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है यस यानी कि एक्स इक्वल टू माइनस थ्री इज योर सैडल पॉइंट होगा क्या नहीं तो एफ एक्स के रूट कैलकुलेट नहीं करना ऐसा नहीं करना है कि के निकाल के निकाल बैठ गए और बोल दिया सारे सैडल पॉइंट होंगे ऐसा कुछ मैंने बोला नहीं मैंने बोला जहां जहां एफ डबल का साइन चेंज होगा ना वो आपके सैडल पॉइंट कहलाएंगे तभी तो मैंने बोला एफ डबल डैश एक्स का वे भी करो बनाओ और जहां जहां पर साइन चेंजेस हो उन साइन चेंजेस को अडॉप्ट कर लो तो यहाँ पे मिला एक्स इक्ल टू माइनस थ्री सैडल पॉइंट अब एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करना देखो क्या सैडल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट में कोई रिलेशन है चेक करो देखिए तो जो हमने स्टेटमेंट दिया था क्या वो स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से सच है कहाँ सैडल पॉइंट कहाँ क्रिटिकल पॉइंट ठीक है तो सैडल पॉइंट मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट तो हो भी सकता है शायद क्रिटिकल पॉइंट से मैच कर जाए बट ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है किसी भी ग्राफ में कोई एक न्यूट्रल पॉइंट भी आपका सैडल पॉइंट की तरह काम कर सकता है जहां पे हो सकता है मैक्सिमम मिनिमम ना भी अगर कर रहा हो वो वाला पॉइंट भी आपका सैडल पॉइंट की तरह काम कर सकता है ठीक है आया समझ में कुछ अगर अभी नहीं समझ पाओगे तो कभी नहीं समझ पाओगे ठीक है तो सैडल पॉइंट वगैरह में समझने के लिए ये सबसे आपको मैंने आसान तरीका बताया सारी चीजों को इंटरलिंक करके बताया सारे डेरिवेटिव्स को इंटरलिंक करके बताया और एक क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन आपको निकाल के दी एफ डैश एक्स से सारी इंफॉर्मेशन जितनी निकाल सकते थे निकाली एफ डबल डैश एक्स से तो अब आप ध्यान से सुनो ध्यान से नोटिस करने की कोशिश करो कि f डबल डैश एक्स आपको क्या क्या बता सकता है जैसा कि पहले भी हमने देखा था कि अगर आप f डबल डैश एक्स का कर्व बना देते तो f डबल डैश एक्स में आप बता सकते थे वे कर्व के थ्रू कि कौन कौन से सैडल पॉइंट उसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं करेक्ट अगले क्वेश्चन पे चलो इस क्वेश्चन की ना आंसर में आंसर पे मत जाओ है ना मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आप ऐसे एनालिसिस कर लो पहले एफ डैश एक्स का कर लो एनालिसिस फिर एफ डबल डैश एक्स का एनालिसिस कर लो तो जस्ट एक बार एनालिसिस करके देखो कि आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसके एनालिसिस कंप्लीट एक जगह पे रख लो एफ निकालो और उसका भी करो प्लॉट करके सैडल पॉइंट्स से इंफॉर्मेशन अलग से रख लो तो जस्ट में इतना एक्सपेक्ट कर रहा करूंगा एटलीस्ट इतना करो जैसे हो जाएगा मुझे बताना फिर मैं इसको डिस्कस करना स्टार्ट बाकी मैक्सिमम मिनिमा कोई चैलेंज है नहीं वो तो हम कभी भी निकाल के दे सकते हैं दैट इज नॉट एन इशू चलो शुरू हो जाओ सभी लोग जब हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में डन लिख देना यश आज सच में है क्या बर्थडे या फिर ऐसे ही लोगों ने मना दिया बीच में तो यार तुम लोगों ने मेरा मना दिया था तो ये लोग तो स्टूडेंट्स हैं तुम लोगों का को कोई भरोसा भी तो नहीं है आज तो फ्राइडे है आ, आज अच्छा आज सैटरडे है क्या अच्छा आज सैटरडे है मगर जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब आपका फ्राइडे था तो आज ही से सभी लोग पार्टी के मोड में गए क्या देव का ऐसा बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाइए और फास्ट पढ़ाइए मतलब इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये कहना चाहते हो कि मैं कम पढ़ाऊँ और जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ तो या तो ये तो उल्टा हो गया ना आप ऐसा बोलो कि सर ज़्यादा पढ़ाओ जल्दी जल्दी पढ़ाओ या कम पढ़ाओ आराम से पढ़ाओ तुम तो बोल रहे हो कि ज़्यादा भी पढ़ाइए कम पढ़ाइए और जल्दी भी पढ़ा दीजिए आंसर तुमने एक भी क्वेश्चन का अभी तक नहीं दिया बट तुमको चाहिए कि मैं जल्द से जल्द पूरा पढ़ा दूँ सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स सिक्स माइनस थर्टी सिक्स ये मिल गया आपको एफ डैश सिक्स चलो यहाँ से सिक्स कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स ठीक है तो ऑब्वियसली ये जो मुझे दिख रहा है इट इज़ कमिंग आउट टू बी एक्स माइनस सिक्स ऐसा कुछ मिल जाएगा ना तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं एक्स इक्वल टू थ्री माइनस टू ये हो गया था क्रिटिकल पॉइंट्स ठीक है तो आई होप एटलीस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स सभी ने ठीक ठाक निकाले डन अब क्या करते हैं प्लॉटिंग प्लॉटिंग इज़ वेरी इजी तो देखो मैंने आपको पूरी कोशिश की कि मैं आपको एक अदर डायमेंशन समझा पाऊँ जो कि जनरली आपकी डिस्कस नहीं होती बट आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो हाँ चले गए प्लस माइनस प्लस अब बताइए ये माइनस टू वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है तो माइनस टू वाला जो पॉइंट है ये आपको दिख रहा होगा लोकल मैक्स ये जो थ्री वाला पॉइंट है ये आपको दिख रहा होगा लोकल मिन। तो लोकल मैक्स लोकल मिन अलग हो गए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना तो आपने क्या कर लिया हाँ तीन पे लोकल मिन कर दिया बाकी घटना बढ़ना भी सभी लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ रहा होगा फंक्शन माइनस दो से तीन तक घटेगा तीन से लेके इन्फिनी तक फिर से फंक्शन बढ़ेगा तो फंक्शन का घटना बढ़ना भी थोड़ा थोड़ा हमने विजुलाइज कर लिया ऐसा कुछ होगा चलो सैडल पॉइंट की बात करते हैं एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करो जब आप एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करने जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा टू एक्स माइनस वन ठीक है अब इसमें तो क्या ही बेवी करो बनाना मन हो तो बना लो वैसे तो ज़्यादातर लोगों को यहीं से दिख गया होगा वन बाई टू फिर आपका साइन चेंज हो रहा प्लस टू माइनस तो एक्स इक्वल टू वन बाई टू कौन सा पॉइंट हो जाएगा सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ठीक है तो कल भी मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था ना कि नाइन परसेंट क्वेश्चन में हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट ही नहीं करेंगे जरूरत क्या है उसको कैलकुलेट करने की अगर यहीं से मैक्सिमम मिनिमम से अंदाजा लग रहा है तो क्यों डबल दब, जबरदस्ती डबल डेरिवेटिव हाँ करना भी होगा डबल डेरिवेटिव तो सैडल पॉइंट के लिए कर लेंगे तो सैडल पॉइंट क्लिक करके बता देंगे एक्स इक्वल टू वन बाई टू इस ना सभी को यस yes. तो सैडल पॉइंट आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए अब दूसरी चीज देखो क्या क्रिटिकल पॉइंट और सैडल पॉइंट के बीच में कोई नाता है आपस में है ना दोनों का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब जो सैडल पॉइंट होते हैं उनका क्रिटिकल पॉइंट से डायरेक्ट कोई लिंकअप नहीं है तो काफी सारे लोगों ने सही आंसर बताया बट काफी कम लोगों ने बताया इसका मतलब आपको खुश होना चाहिए कि आपका जो कॉम्पिटिशन है वो डे बाई डे वैसे भी कम होता है देखो दो तरीके के लोग होते हैं एक तरीके के लोग होते हैं जो आ, सोचते हैं कि ठीक है कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे ऐसा करते कराते उनका लास्ट दिन आ जाता है और वो पढ़ कभी नहीं पाते तो ऐसे लोगों का वैसे भी कुछ होना है नहीं ऐसे लोग अगर आते भी हैं बीच में जाते भी हैं तो वैसे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बट एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो शुरू से लेकर आखिरी तक अपनी पूरी के पूरी जर्नी को प्लान करके आगे बढ़ते हैं उसकी पूरी प्लानिंग होती है कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है और उसको एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में कैसे कन्वर्ट करना है तो हमेशा आप सेकंड टाइप के स्टूडेंट की कैटेगरी में बनी जिसमें एक परसेंट से भी कम लोग फॉल करते हैं मोर देन नाइन्टी नाइन परसेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं वो इंतज़ार करते हैं कि कल परसों नरसों करते कराते लास्ट दिन आ जाते हैं तो एक्चुअल में कॉम्पिटिशन बहुत नहीं होता है समझ लो अगर मान लो ई के एग्ज़ाम में एक लाख लोग बैठ रहे हैं या गेट के एग्जाम में लाख लोग बैठ रहे हैं तो उसमें से हार्डली मैं आपको बता रहा हूँ ना तीन हज़ार पढ़ने वाले बच्चे होते हैं मतलब तीन हज़ार बच्चों से आपका कंपटीशन होता है थोड़ा सा अगर आप मेहनत करोगे तो डेढ़ दो हज़ार रैंक हज़ार रैंक पंद्रह सौ रैंक सात सौ रैंक आराम से लाया जा सकता है तो ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनको पढ़ना लिखना लंबे समय तक है ना एक दो दिन के लिए आपको जोश आ जाएगा कोई वीडियो देख लोगे किसी टॉपर से मिल लोगे बहुत जोश में पढ़ाई करोगे बट वो जोश बहुत दिन तक कंटिन्यू होता नहीं तो जो लोग सिंसियर लोग हैं जो पढ़ने वाले लोग होते हैं ना वो इस चीज़ को समझ सकते हो कि आपके लिए लंबे समय में कॉम्पिटिशन बहुत कम हो जाता है लंबे समय तक इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड बहुत कम लोग करते हैं ठीक है चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो ये क्वेश्चन हो गया बाकी वाई इजल टू एक्सक्यूब तो डिस्कस हो गया था अगर आपको करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो ये आपको मेंशन कर रखा था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्सक्यूब ठीक है बस एनालिसिस करना है पूरे फंक्शन का एफ डैश एक्स मिल जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर इसको ज़ीरो पुट करोगे एक्स इक्ल टू जीरो आपको मिल जाएगा क्रिटिकल पॉइंट ठीक है बाकी एक्स इक्वल टू जीरो अब आप चेक कर सकते थे इसका वेवी करो बना के साइन चेंज हुआ नहीं तो मैक्समा मिनिमा तो नहीं बोल सकते एक्स इक्वल टू जीरो को आपने बोला नीदर मैक्स नॉर्मिन इस पॉइंट को आपने नीदर मैक्स नॉर्मिन की कैटेगरी में डाल दिया ठीक है फिर आप क्या करते हैं एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं आपको मिल जाता है सिक्स एक्स इसको वेवी करो पे प्लॉट करते ये था एक्स इक्वल टू जीरो प्लस से माइस साइन चेंज हो गया दिस एक्स इक्वल टू जीरो विल बिकम योर सैडल पॉइंट ठीक है समझ आ गया ना सबको ये तो आई थिंक दे पॉइंट भी सभी लोगों को समझ में आए कि सेकेंड डेरीवेटिव टेस्ट की एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है समझे ना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के एक्चुअल इंपॉर्टेंस मैक्सिमम इनमें निकालने में नहीं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की एक्चुअल इंपॉर्टेंस है सैडल पॉइंट का अंदाजा लगाना चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे साइन एक्स इसमें पूछ रखा है सैडल पॉइंट्स के बारे में बताना तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जो सैडल पॉइंट की तरह काम करेंगे अब इसमें आप क्या करो ग्राफ से अंदाजा लगा सकते हो देखो यहां पे मैं ग्राफ आपको बना के दिखाता हूं देखिए सारे के सारे इंटीजर पॉइंट्स को जज करो सॉरी इंटीजर पॉइंट्स नहीं पॉइंट्स ऑफ जीरो क्रॉसिंग जीरो क्रॉसिंग्स को जज करिए जीरो पाई टू पाई ये पॉइंट ले लो माइनस में देखो क्या कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पे देखो यहाँ पे ये क्या था नीचे वाला कॉनकेव अप ये क्या था कॉनकेव डाउन इस वाले पॉइंट पे भी कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन तो ये सारे के सारे क्या थे आपके कॉनकेव अप ये सारे के सारे आपके क्या है कॉनकेव डाउन ऐसे चेक कर लो अदरवाइज अगर आपको स्लोप बनाने का मन है तो स्लोप बना के भी आप चेक कर सकते हो तो यहाँ पे स्लोप नीचे यहाँ पर स्लोप ऊपर ठीक है तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे ऑल द पॉइंट्स वेयर एक्स इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू एंटीचर इंटीचर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं विल बी ऑर सैडल पॉइंट्स कहीं कहीं पर ग्राफ से बताना ज्यादा आसान रहेगा आप यहाँ पर कहाँ जाएंगे वे वी करो बनानो है ना बनाना भी होगा तो जब आप f डबल डैश एक्स कैलकुलेट कर लोगे तो f डबल डैश एक्स से आपको वापस से क्या मिल जाएगा माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन एक्स का आप पूरा का पूरा प्लॉट करना प्लॉट करने से आपको पता चल जाएगा जिस जिस पॉइंट पे वो साइन चेंज कर रहा होगा तो जब आप f डबल डैश एक्स का प्लॉटिंग भी करोगे तो साइन चेंज कहाँ कहाँ पर होगा इन्हीं पॉइंट्स पर आपको साइन चेंज मिलेगा कल भी हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन किया था तो यही वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पर आपको साइन चेंज मिलेगा एफ मैं आपको बना के दिखा भी देता हूँ ये देखो माइनस साइन एक्स का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको ऐसा मिलेगा ठीक है ये है आपका एफ डबल डैश एक्स अब देख लो ये कहाँ कहाँ पे साइन चेंज कर रहा है जीरो पे कर रहा है, पाई पे कर रहा है प्लस से माइनस ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे इनका साइन चेंज हो रहा है तो यहाँ से भी वही सेम चीज़ अंदाजा लग रहा है तो यही अंदाज़ा आप चाहो तो ग्राफ से लगा लो चाहो तो मैथमेटिकली लगा लो हो गया सभी लोगों को चलो ठीक <coughs> है प्लस माइनस एन पाई बोलो या एन पाई भी बोलोगे तो काम चलेगा चलो फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क डाल रखे हैं ये क्वेश्चन आप कल कर ट्राई करके आएंगे तो कल हम लोग इसमें क्या करना है ना सारे क्वेश्चंस में आप एनालिसिस करके लाने मैक्सिमम मिनिमा पे ध्यान मत देना बस आप इसकी पूरी एनालिसिस करके लाना एक्स माइनस वन टू दी पावर फोर की एनालिसिस क्या होगी या फिर यहाँ पे आप कैसे मैक्सिमम मिनिमा बोल सकते हो कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में अंदाजा लगा सकते हो तो इसकी पूरी आप एनालिसिस करके आएंगे फिर इस क्वेश्चन को कल हम लोग डिस्कस करेंगे और कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा तो कल मैक्सिमम मिनिमा की लास्ट क्लास होगी वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमम तो अभी तक जितना पढ़ाया उतना रिवाइज़ करके आना और इसके बाद जो भी टॉपिक्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं उसमें हर जगह पे मैं, मैं मैक्सिम मिनिमा का यूज़ करूँगा तो जैसे वहाँ पे पहले मैंने क्राइटेरिया बताया था कि अगर वे भी कम नहीं पड़ा है तो आगे की क्लासेस में मत आना दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू वैसे ही जिन लोगों ने पूरा का पूरा मैक्सिमम में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं फॉलो किया तो आगे आने वाली क्लासेस में अगर आप नहीं भी आओगे तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आने से भी आपके जो समझने की क्षमता होगी वो कम्पेरेटिवली कम होगी एज कम्पेयर टू दिस क्लास ठीक है उसके अलावा उसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि आपका कंट्रोल और एनालॉग ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है सत्रह से बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे अकेडमी प्लस पे आ चुके हैं हमारे गाइडेंस में पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि बहुत सारे बच्चे कम होते आ रहे हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे प्लस पे भी आ रहे हैं बहुत सारे बच्चे प्लस पे आ रहे हैं प्लस पे आने के लिए मैंने आपको बताया आप ट्वेल्व मंथ एटीन मंथ्स और ट्वेंटी फोर मंथ्स के लिए भी आ सकते हो प्लस पे और आने के साथ साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो आपको जो पेमेंट यहाँ पे पे करना है ये किसी भी ऑफलाइन कोचिंग का एक तिहाई भी नहीं है अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से कंपेयर कर लो आप बस ये आ, याद रखना कि पेमेंट आप दो तरीके से कर सकते हो एक आप कर सकते हो डायरेक्ट पेमेंट दूसरा कर सकते हो ईएमआई में या पार्ट पेमेंट कर सकते हो पार्ट पेमेंट करने के बाद आप प्लस पे आओ और वहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट करो वहाँ पे चीज़ें और सिस्टमैटिक होती हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हम लोग वहाँ पर सॉल्व करवाते हैं आपको होमवर्क भी ज़्यादा देते हैं उस होमवर्क का वापस से डिस्कशन भी होता है और वहाँ पर आप सीसियर स्टूडेंट्स के बीच में रहते हो जो एक सीसियरली पूरे के पूरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो वहाँ पर जो लीडर बोर्ड होता है वहाँ पर जो रैंकिंग होती है वो आपको रियल टाइम डेटा देगी कि आप कहाँ पर लाइक कर रहे हो ठीक है उसके अलावा जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्लस में इस वाले मोड में आना चाहते हो या आइकॉनिक में भी आना चाहते हो अगर आपको बहुत कुछ चाहिए पढ़ाई करने के लिए आप सेकेंड ईयर में हो तो आप आइकॉनिक को भी ऑप्ट कर सकते हो बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन से भी आ सकते हो ठीक है चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं और कल चर्चा होगी ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा की तो कल तक के लिए आपके पास एक टास्क है कोशिश करो कि जहाँ से हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टेस्ट किया था जहाँ पे मैंने आपको पहले फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट बताया कल फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना बताया आज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का एक्चुअल इंपॉर्टेंस मैंने समझाया कि वो सैडल पॉइंट के कैलकुलेशन में कैसे मददगार होता है तो सेम चीज़ हम लोग कल भी कंटिन्यू करेंगे थैंक यू सो मच और पढ़ाई करते रहो मेहनत करते रहो जब तक एक दिन का टास्क कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आपको आराम नहीं करना चाहिए तो डेडलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा डेडलाइन से आगे चलो डेडलाइन कम्प्लीट होने का इंतजार मत करो पहले से ही करके बैठे रहो और नए टास्क पे अपने आप को बर्डन करते जाओ तो जितना अपने आप को आप ओवर बर्डन करते जाओगे जितना आप अपने आप को ओवर टास्क देते जाओगे उतना आपके दिमाग में नेगेटिविटी आपके दिमाग में खालीपन आपके पास टाइम वेस्ट करने का मौका बहुत कम रहेगा जितना आप अपने दिमाग को खाली छोड़ोगे वो धीरे धीरे आपका नेगेटिविटी में कन्वर्ट होता है डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है डर में कन्वर्ट होता है तो जो अपने आप दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं दोगे अपने आप को ओवरबर्डन रखोगे तो ग्रेजुअली आप पाओगे कि आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल रहे हो और असली मजा लाइफ में सक्सेसफुल होने में है ना कि आराम करने में तो सक्सेसफुल होने का जो मजा है वो आराम करने के मजे से कई गुना ज़्यादा है ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ तो ऑलवेज ट्राई टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ एंड ट्राई टू फॉलो द सक्सेसफुल पीपल और मेहनत करते रहो जी तोड़ मेहनत करते रहो बाकी हम लोग तो वही है। सारी की सारी चीज़ें करेंगे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग ओनली थिंग नीडेड फ्रॉम यू गाइज इज दैट यू नीड टू वर्क हार्ड वर्क सो हार्ड दैट नो बडी कैन बीट यू एटलीस्ट इन द हार्ड वर्क है ना बाकी टैलेंट तो खैर ऊपर वाला देता है बट मेहनत करना अपने हाथ में होता है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच